हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो अपनी क्वांटम या मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो थी जिसमें अपन ने डिस्कस किया था आइंस्टीन की थ्योरी, जिसमें अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया था, और उसके बाद अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें लाइन आ रही थी लाइमर बामर पासन ब्रैकेट फंड, उनको अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं ये जो सनलाइट आ रही है इसकी पार्टिकल नेचर को। ठीक है, जिसमें पढ़ने क्वांटा को पढ़ा है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल वाली वो सोल्व करेंगे, उसके बाद अपन बोर थ्योरी पाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम डिले हो गया है क्लास को, कुछ कारणवश क्लास नहीं हो पाई है, और आपके लिए सौभाग्य की बात है, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है जिसका रिजल्ट भी नहीं आया, उससे पहले दूसरी वैकेंसी अनाउंस हो गई है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप बढ़िया अच्छे से इनकी तैयारी करिए, ऐसा मौका कभी आपको मतलब मिलेगा ही नहीं। ऐसे 5-5 सालों में वैकेंसी आती है, तो अभी 2024 में जो वैकेंसी थी वही कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले दूसरी वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करिए। अब डिस्कस करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उसको। तो देखो, आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ ली थी अपन ने, कुछ छोटी सी चीजें रह गई थी जो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इधर, जैसे आपने एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया होगा, E इक्वल टू क्या होगा, H न्यू। ये किसने दिया था ये फॉर्मूला, ये अपन ने जो लास्ट थ्योरी पढ़ी है मैक्स प्लैंक की, उसमें ये डेराइव अपन ने वहां से इसको ओपन किया था। ठीक है, E इक्वल टू H न्यू। अब यहाँ पे कुछ एक और एक्स्ट्रा चीजें जो आइंस्टीन ने थोड़ी एड ऑन की है उसकी तरफ से, जैसे देखो E इक्वल टू एन एच न्यू, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये अपने यहां पे जो n लिखा है ना, ये नंबर ऑफ फोटोन की संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन एक मोल ले लेता हूं, यानी मैं इनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये जो एनर्जी है ये कहलाती है वन आइंस्टीन। ये क्या कहलाती है, वन आइंस्टीन। वन आइंस्टीन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन को ही क्या बोलते हैं, वन आइंस्टीन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एन ए एच न्यू। अब एच न्यू कुछ भी हो सकता है, आपको करना है इसको एन ए से मल्टीप्लाई, यानी कोई सी भी एनर्जी हो उसको आप Na यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये बन जाता है आपका वन आइंस्टीन। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पे अपन ने डिस्कस नहीं किया था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम कर लेते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से और नॉर्मल जो भी अपनी प्रॉब्लम उनसे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की आवृत्ति व तरंग संख्या क्या होगी, यानी उसने वेवलेंथ दे रखी है और पूछी है उसने वेव नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इधर न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, उसने पूछा न्यू, तो न्यू इक्वल टू सी की वैल्यू क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम को आप किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो मीटर से ये मीटर कट जाएगा, अब बाकी चीजें आप यहां पे काट दो, 3×10⁸, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6×10⁻⁷, ये -7, तो ये इससे 2 टाइम कट गया, ये बचा 1/2×10⁸, और ये 7 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 0.5×10⁵ सेकेंड इनवर्स, यही आएगा, ये ऊपर जाके 8 और 7 ये 15 हो जाएगा, सही है। और इसको सही लिखना चाहो तो 5×10⁴ सेकेंड इनवर्स, या इसी को बोलते हैं अपन हर्ट्ज। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दूसरा उसने पूछा है वेव नंबर, तरंग संख्या, तो वेव नंबर कैसे निकालते हैं, वेव नंबर न्यू बार इक्वल टू होता है 1/λ, ये कैसे निकालते हैं, 1/λ से निकालते हैं, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10⁻¹,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 × 10^7 मीटर इनवर्स। तो ये आ जाएगी आपके इसकी वेव नंबर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है जो आप यूनिट ले रहे हो वो एक ही सिस्टम की होनी चाहिए, या तो एमकेएस में ले हो आप या सीजीएस में ले हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एमकेएस में ले रहे हो दूसरे सीजीएस में ले रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होगी, कटेगी नहीं वो। नेक्स्ट देखो, एक फोटोन की तरंग दे रही है तथा आवृत्ति की गणना कीजिए यदि ऊर्जा उसकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो फोटोन की आपको वेवलेंथ निकालनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी आपको लेमडा निकालना है और एक आपको न्यू निकालना है जब उसने दे रखी है ई। तो देखो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो सबसे पहले आप न्यू निकालिए, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच, यही होगा। अब देखो ई दे रखा उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं इधर लिख देता हूं, एनर्जी दे रखी उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो पहले आप इसको जूल में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ प्लैंक कांस्टेंट जो एच है उसकी वैल्यू 6.6 × 10^-34 जूल सेकेंड ये है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में, तो दोनों को आप एक ही सिस्टम में लो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको कन्वर्ट कर लो। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10^-19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 10^-19 जूल के, यानी 1.6 × 10^-, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 × 1.6 × 10^-19 जूल में आ गई। अब एनर्जी को आप इसको जूल में रखोगे, यहाँ पे एच की वैल्यू आप किस में रखोगे, एज इट इज। तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1.6 × 10^-19 डिवाइडेड बाई 6.6 × 10^-34, ये जूल में, ये जूल में, और ये सेकेंड, ठीक है। तो जूल से जूल कट गया। अब इसको सोल्व कर लो आप, ये लगभग कितने टाइम कटेगा, ये लगभग मैं इसको काट दूं, ये 64, और लगभग 4.1 के आसपास या 4.2 से आप काट दो, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट सोल्व कर लो। और 2 से कितने टाइम कटा, ये लगभग 2.1, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो न्यू इक्वल टू 1/2.1 × 10^-19 × 10^-34, सॉरी ऊपर जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्लस में। अब आप 34 में से ये 90 माइनस कर दो, 19 माइनस करोगे तो 2.1 × 10^, इसमें से आप अगर 20 कटाते हो तो कितना आएगा, 14 बचेगा। और एक और आप इसमें से माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 20, सॉरी 10, यानी ये बच जाएगा 15, यही बचेगा, जोड़ के देख लो, 9 और 5 14, हाँ। तो 1/2.1, या आप अप्रोक्सीमेट 1/2 भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि उसमें पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देगा, अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.5 × 10^15, या आप बोल सकते हो 5 × 10^14 सेकेंड इनवर्स, और इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 5 × 10^14 अपन इसको बोल सकते हैं। दूसरा उसने पूछा इसी में, मैं इधर साइड में ले लेता हूँ, उसने पूछी है वेवलेंथ। वेवलेंथ बिल्कुल इजी है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन न्यू। तो सी कितनी, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना अभी जस्ट निकाला, 5 × 10^14 सेकेंड इनवर्स, यही होगा, सेकेंड इनवर्स होगा। तो ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड, सेकेंड इनवर्स का मतलब ऊपर जाएगा सेकेंड में हो जाएगा, ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे ना, पर मीटर बचेगा। तो मीटर बचेगा तो देखो ये 14 ऊपर जाएगा, 3/5 × 10^14 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 6 मीटर।
तो जो भी आ रहा है ये किसमें आएगा, मीटर में। और 10^-6 मीटर को क्या बोलते हैं अपन, माइक्रो, तो 3/5 माइक्रोमीटर, ये आ जाएगी आपकी वेवलेंथ। तो बिल्कुल इजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, बाकी पैटर्न बिल्कुल इजी है। ऐसे ही आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, वो कभी कैलोरी में देगा, किसी में भी दे सकता है। आपको बस पता होना चाहिए कि एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट टर्म की यूनिट किस तरीके से अपन इनको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इधर। विकिरण में 1 मोल फोटोन की गणना कीजिए जिसकी आवृत्ति 5×10^10 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज है। देखो कोई रेडिएशन है, उसके 1 मोल फोटोन की आपको क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी, यानी 1 आइंस्टीन आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगी, E=NaHν, यही होगी। इसी को बोलते हैं 1 मोल फोटोन, और इसी को बोलते हैं 1 आइंस्टीन। इसी को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन, 1 आइंस्टीन। तो निकाल लो आराम से, देखो 6×10^23 इंटू एच कितना, 6.6×10^-34, और न्यू कितना। आप इनको सब जो वैल्यू है ना, इनको आप इनकी यूनिट के साथ रखा करो ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। न्यू की वैल्यू कितनी है, देखो 5×10^10 पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो आंसर देखो किस में आना है, जूल में। तो आप इन यूनिट को रखोगे तो आपके जो क्वेश्चन है उसके गलत होने के चांस बिल्कुल कम होंगे, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आप यूनिट रख के नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किस में मान आया है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा × 10^23, और वो 10 कितना हो गया, 33 × 6.6×10^-34। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3×10^34 × 6.6×10^-34 लिख सकते हैं ऐसा। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ये इससे कट जाएगा बिल्कुल। भाई जिनकी घाते समान, सॉरी जिनकी जो बेस होता है पावर, या सॉरी मैं इसकी बात करूं आधार की, जिनका आधार समान रहता है या जिनका बेस सेम रहता है, बेस का मतलब होता है ये 10 और ये 10, तो घाते हमेशा एड होती है, जो पावर होती है हमेशा क्या होती है, एड होती है। तो 34 में 34- के अगर जोड़ोगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर आप काटोगे तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक। उसके बाद ये दोनों तो कट गए, अब बचा क्या, 3×6.6, और जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी आएगी वो आएगी 19.8, 19 पॉइंट क्या आएगी, 8 आ जाएगी, है ना, 19.8 जूल आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्या करनी है, 1 आइंस्टीन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल आप ऐसे करोगे, इनकी जो वैल्यू है उसको विद आप यूनिट के साथ रखोगे तो आप आराम से इनको सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात हुई किससे रिलेटेड, 1 आइंस्टीन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है, 100 वाट का एक बल्ब 300 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ का एक मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसको उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या क्या होगी। यानी वो दे रखा है कि 100 वाट का एक बल्ब है, वो 300 नैनोमीटर का एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ वाले लाइट को वो एमिट करता है, तो उस बल्ब की प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप सबसे पहले उस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लो। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका, E=hν, E=hν। तो E क्या हो जाएगा, 6.6×10^-34 जूल सेकंड, यही होगा। × 10^-34 जूल सेकंड। अब न्यू की वैल्यू कितनी नहीं दे रखी, तो न्यू क्या करोगे, C अपॉन लेमडा, C अपॉन लेमडा करोगे,
तो सी अपॉन लेमडा करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एच सी अपॉन लेमडा, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है 300 × 10⁻¹ मीटर। तो देखो ये 3 से ये तो कट गया, नीचे 100 बचा, तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि -9 है तो ये -7 बच जाएगी। तो एनर्जी कितनी आ गई 6.6 × 10⁻³। ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, ये मीटर से मीटर गया, बचा क्या सिर्फ जूल, इनटू ये इससे कट गया 10⁸, और यहाँ नीचे देखो 100 बच रहा है, ये कट गया ना तो 100 बचेगा, तो ये 100 मैं इसको 10⁻¹ कर सकता हूँ, तो -7 ऊपर जाएगी तो 10⁻ कितनी हो जाएगी 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 6.6 × 10⁻³ × 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा 6.6 × 10⁻¹। अब इसमें से आप माइनस के 34 और 15 इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस के 19 जूल। तो ये एनर्जी आ गई किसकी, एक फोटोन की, एक की निकाली है ना, ये किसकी एनर्जी आ गई, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब एक फोटोन की एनर्जी आ गई, मैं इधर साइड में कर देता हूं, एक फोटोन की अगर एनर्जी आ गई तो आप ये आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो 100 वाट दे रखा है, 100 वाट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, अरे वाट का मतलब क्या होता है पर सेकंड में जो आप वर्क करते हो उसी को क्या बोलते हैं शक्ति या पावर बोलते हैं उसी को। तो ये उसने पावर दे रखी है उसकी 100 वाट, इसका मतलब जूल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखो इधर मैं इनके लिए ऐसे बोल सकता हूँ कि 6.6 × 10⁻¹ जूल है ना, एक फोटोन की एनर्जी है, ऐसे बोल सकता हूँ 6.6 × 10⁻¹ जूल, इसमें एक फोटोन है, इसमें क्या है एक फोटोन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक जूल की तो उसमें कितने फोटोन होंगे, 1/6.6 × 10⁻¹ फोटोन होंगे। और अगर मैं बात करूं 100 जूल की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 100 जूल दे रखा है ना, पर सेकंड पूछा है, तो एक सेकंड में 100 जूल के अंदर कितने फोटोन होंगे, तो 100 जूल में कितने होंगे, 100 जूल में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ नहीं करना बस 6.6 × 10⁻¹ फोटोन। अब यहां निकाल लो इसको, ये ऊपर जाएंगे तो 100 × 10⁻¹ हो गया, नीचे 6.6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6.6 × 10⁻² दो और पावर चढ़ा दो 21 हो जाएगा। तो इतने इसमें क्या होंगे फोटोन होंगे, कितने फोटोन होंगे इसमें 1/6.6 × 10⁻², फोटोन होंगे। इससे आप नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी है। दूसरा मेथड मैं आपको इधर शॉर्ट में बताते हैं, तो जो सेकंड मेथड है इसका वो आप कर सकते हो, ई इक्वल टू एन एच न्यू, एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन, एनर्जी उसने दे रखी है कितनी दे रखी है 100 जूल पर सेकंड दे रखी है, तो 100 रख देना आप यहाँ पे, और यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो एन का मान जो मैंने वहां निकाला वही निकल के आएगा। दूसरा तरीका ये भी है करने का, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व आउट कर सकते हो। अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम अपनी खत्म हुई, किससे रिलेटेड, ये अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके जो कुछ क्वेश्चन बन रहे थे अपने एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वगैरह इनसे रिलेटेड। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने बोर थ्योरी की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अपन बोर थ्योरी के अंदर वहां पे उसके क्वेश्चन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं उसको नहीं करवा रहा, उसके भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, और इनकी जो सीरीज होती है उनके क्वेश्चन बनते हैं, वो उससे वेव नंबर अपन को निकलवाता है, तो वो अपन नेक्स्ट आगे वाले में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अपना है बोहर मॉडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है आपकी तो बोर मॉडल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बोर मॉडल का पहला सबसे जो इसका पोस्टुलेट है या इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि जो चीजें रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी एमिट होनी चाहिए, एनर्जी एमिट करेगा तो एक दिन किस में चला जाएगा न्यूक्लियस में,
और न्यूक्लियस में चला गया तो मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। एटम नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है, तो वो निकल के आता है किसके पास, बोर मॉडल के पास। और इसने हेल्प किसकी लिए, इसने हेल्प लिया मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक ने बोला है कि एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, उसकी कुछ एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जो फिक्स है वो एक बार बन गई, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही एटम के अंदर कुछ फिक्स एनर्जी के लेवल होते हैं, उन फिक्स एनर्जी के लेवल में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इनके अलावा इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह रिवॉल्व नहीं करता है। और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, अनुमत ऑर्बिटल, अनुमत कक्षक भी बोलते हैं, ठीक है, यानी अलाउड ऑर्बिटल बोलते हैं इनको भाई, जहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। और इनमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो स्टेबल स्टेट में कैसे है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया उसने। उसने बोला है कि इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, सेंट्रीफ्यूगल, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा तो वो उसके बाहर की तरफ वर्क करेगा। ये एज ए एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे किसी रस्सी पे आप पत्थर बांध के उसको ऐसे घुमा रहे हो, तो रस्सी को पत्थर बांध के उसे घुमा रहे हो तो वो पत्थर उसकी एक फिक्स रेडियस में घूमेगा, और वो रेडियस में घूमेगा जब तक आप उसको एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाएगा उसको वहां से नहीं हटा देते हो, तब तक वो घूमेगा। मतलब वो घूम क्यों रहा है, रस्सी का जो टेंसिल फोर्स है वो अंदर की तरफ वर्क कर रहा है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं, छदम बल या नकली बल बोलते हैं, जो उसको बैलेंस करने के लिए दिया गया है, वो बाहर की तरफ लग रहा है। सिंपल सी बात है। तो दूसरा फर्स्ट पोस्टुलेट ये हुआ इसका। दूसरा पोस्टुलेट इसका ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाते हैं जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और एनर्जी को एमिट करते हुए लोअर स्टेट में आते हैं जिसको अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा उसको अपन बोलते हैं बोर फ्रीक्वेंसी, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी निकल के इन एनर्जी का वो बोर फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद थर्ड जो इसका मेन पोस्टुलेट है वो है इसकी जो एंगुलर जो मूवमेंट है, इसका कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं, वो एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है, या इसके मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो इसका अपन यहाँ पे यूज लेते हुए इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का, इसकी रेडियस कैलकुलेट करने का, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने का, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, सारी चीजें हैं, सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोर मॉडल की। तो बोर मॉडल की अगर अपन बात करें तो देखो, सबसे पहला जो पोस्टुलेट उसका यही है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसके साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के रखा है, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, यानी कुलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक फोर्स अंदर की तरफ कर रहा है ना काम, ये एफ अट्रैक्शन, और एक फोर्स इस पे बाहर की तरफ वर्क करता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी मैं बोल सकता हूं इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर बैलेंस्ड द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी उसको एक सर्कुलर पाथ के अंदर वो क्या करवाएंगे, मोशन करवाएंगे। दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ए सर्कुलर पाथ। वो किस पाथ में रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, यानी मैं बोल सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको मैं थोड़ा और आपको अच्छे से समझाऊं, इसने इलेक्ट्रॉनों के लिए बोला है कि एक स्टेशनरी ऑर्बिटल में, एक स्थायी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर स्टेशनरी ऑर्बिटल बोलने का रीजन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जहां भी चक्कर लगाएगा उसकी रेडियस फिक्स रहेगी,
इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर इसलिए लगा रहा है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके यहां से ये चीज समझ में आ जाएगी कि सबसे पहला जो ऑर्बिटल वो गोल के होता है, वो स्फेरिकल के होता है, सब समझ में आ जाएगा आपके। भाई पहला ऑर्बिटल 1p क्यों नहीं हुआ, 1d क्यों नहीं हुआ? आज तक सोचा कभी ऐसा कि 1s ही क्यों हुआ, 1p क्यों नहीं हुआ, 1d क्यों नहीं हुआ? भाई इसका एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो ये हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, हर जगह से क्या करेगा, फील करेगा। और इलेक्ट्रॉन को चाहिए क्या, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको क्या चाहिए, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको जब आप चारों तरफ घुमाओगे तो चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, इसीलिए सबसे पहला ऑर्बिटल होता है 1s, स्फेरिकल शेप का होता है, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का काम मिलता है s ऑर्बिटल में मिलता है, इसलिए सबसे पहला वाला ऑर्बिटल दिया गया 1s, ने कि 1p और 1d। कभी देखा है 1p और 1d नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, s के अंदर पड़ी हुई है, जरूरत ही नहीं पड़ी उसको p और d देने की, जब जरूरत पड़ी तब 2p निकल के आया, जब जरूरत पड़ी तब 3p निकल के आया। आई बात समझ में? इसको मॉडर्न क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिस पे समझा जाता है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिटल मींस हर जगह लेंथ इक्वल है, इसलिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रखेगा। और यहीं से आपके ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि एस ऑर्बिटल के लिए एल का मान 0 क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले रही है, कहीं पे भी चले जाओ कोई एंगल नहीं है, चारों तरफ कहीं पे भी जाओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले रही है, इसलिए एल का मान 0 होता है इसके लिए। कभी सोचा है क्यों होता है, एल का मान 0 क्यों होता है इसके लिए? एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा उसका, जो भी आप निकाल रहे हो, इसलिए एस ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए एल का मान 0 होता है। और जब आप आगे जाके क्वांटम में पढ़ोगे ना इसको, तब आप वहां देखोगे थीटा की वैल्यू आती नहीं है इसके वेव फंक्शन में, जब थीटा आएगा ही नहीं तो थीटा एंगुलर जो इसका मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू 0 ही आएगी, थीटा डिपेंड ही नहीं कर रहा, आई नहीं रहा इसके। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालोगे ना, साई की वैल्यू, जब साई की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो साई की वैल्यू के अंदर थीटा वाला कंपोनेंट आता ही नहीं है, थीटा वाला कंपोनेंट आता ही नहीं है, इसलिए एस ऑर्बिटल के लिए उसका मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ोगे पी ऑर्बिटल में, तो पी के अंदर ऑर्बिटल 90 डिग्री पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, पी के अंदर 90 डिग्री पे। भाई पीएक्स पीवाई पीजेड ऐसे होते हैं ना 90, या मैं सीधी सी बात करूं, जितनी ज्यादा लोब बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा उसमें लोब्स होगी उतना ही उसका एल का वैल्यू होगी। भाई एल की वैल्यू अगर पी ऑर्बिटल के लिए देखते हो आप, तो पी ऑर्बिटल को ऐसे ही बनाते हो, सिर्फ उसमें एक ही थीटा आता है। डी ऑर्बिटल में आप देखोगे तो डी ऑर्बिटल में एक थीटा ही आ गया, एक थीटा ही आ गया, जहां जितने ज्यादा थीटा बनते जाएंगे उसकी एल की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, यानी एंगल पे ज्यादा डिपेंड करेगी, सीधी सी बात है। तो पी के लिए सिर्फ एक ही थीटा रहा, तो पी के लिए वैल्यू भी एल की एक ही होती है, डी के लिए दो दो इसके लिए थीटा आ रहे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी, इसलिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप सोच सकते हो, कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तो ऐसे अपन ये वैल्यूज निकालते हैं। तो ये सारे के सारे आइडियाज आते हैं कहां से, बोर थ्योरी से, उसने बहुत सी चीजें समझा दी थी। तो पहला तो अपना ये हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब इसकी बात कर लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, देखो इधर ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक। अगर मैं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, के इसका चार्ज, इस पे चार्ज ई है, इस पे चार्ज ई है, इसकी संख्या कितनी है, जेड, जेड एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। भाई उसमें कितने सारे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज एक ही इलेक्ट्रॉन अपन ने लिया है, यानी अपन हाइड्रोजन एटम के लिए इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। और इस पे वर्क कर रहा है बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो फोर्स हो गए, एफ कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और एक हो गया ये वाला, तो ये दोनों क्या रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी एफ अट्रैक्शन इक्वल टू क्या रहेगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये इक्वल रहेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट क्या होगा, सेकंड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी को गेन करता है तो वो हायर उसकी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है तो वो कहाँ जाता है, लोअर में। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब की एच न्यू, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हायर स्टेट में, इसको बोलते हैं अपन क्या, हायर स्टेट, हायर स्टेट, या इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, वापस इसी लेवल में, जिसको क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में जब आएगा तो ये वापस क्या करेगा, जितनी एनर्जी इसने ली है उस एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा। यानी यहां पे तो हो रहा है ऊर्जा का अवशोषण, इसको क्या बोलते हैं, अवशोषण, या इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, और इसको बोलते हैं अपन उत्सर्जन, या इसको बोलते हैं एमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन जब फोटोन या एनर्जी को गेन करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में वापस एनर्जी को जब वो एमिट करेगा तो वो कहाँ आ जाता है, उसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एनर्जी बोल सकता हूँ E1, इसके लिए बोल सकता हूँ मैं एनर्जी E2, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा E2 - E1, वो होगा एच न्यू के इक्वल, भाई जितनी उसने एनर्जी ली है उसी के इक्वल होगा। भाई यहां से एच न्यू एनर्जी लेके यहाँ गया तो इसने कितनी एनर्जी ली, एच न्यू के बराबर ली, तो निकालेगा भी कितनी, एच न्यू। तो यहां से मैं अगर डिफरेंस निकालू E2 - E1 का तो एच न्यू के इक्वल ही आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यही तो बात बताई थी मैक्स प्लैंक ने, भाई ऐसे जो एनर्जी लेवल होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, उनको फिक्स क्वांटा की जरूरत होती है, और क्वांटा मैंने बोल दिया कि एच न्यू की जरूरत है, एच न्यू की जरूरत है तो एच न्यू दे दिए इसको। अब एच न्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 50 जूल, कुछ भी हो सकती है, जो भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 - E1 / H, और इसी न्यू को क्या बोलते हैं अपन, बोर फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोलते हैं, बोर फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट इसका देखो, इधर थर्ड पोस्टुलेट है, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड पोस्टुलेट इसने एक एजम्पशन माना था, देखो ये हकीकत है, आपको कभी सौभाग्य प्राप्त हो तो इसको एक बार पढ़ के देखना, जो नील्स बोर की थ्योरी है उसमें लिखा हुआ रहता है, आप इसके चाहे रिसर्च पेपर उठा के देख लेना, इसने जो यहाँ पे आंसर दिए हैं, ये सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन दिए, इन्होंने तुक्के मारे हैं, ये चीज इनकी थ्योरियों में लिखा हुआ है कि ये सारी की सारी चीजें पजल है। पजल का मतलब आपने कभी गेम खेला होगा, पजल का मतलब होता है कि ये चीजें एक बार इन्होंने दे दी, ये क्यों दी, ये वापस उसको रिवर्ट नहीं कर सकते, कि ऐसा मतलब इनको आप इनको डिनाई नहीं कर सकते, ये बताएंगे नहीं आपको कि किस तरीके से हमने ये जमाया, बस एक बार दे दिया, जो आंसर आया था वो आ गया। तो ऐसी चीजें इन्होंने दी है। तो ये जो मैं नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट आपको पढ़ाऊंगा, इसका जो एंगुलर जो इसका मोमेंटम होता है उसकी जो वैल्यू है NH/2π की क्या होती है, इक्वल होती है। आई बात समझ में, NH/2π की क्या होती है, इक्वल होती है। तो MvR=NH/2π, ये क्या वाला आ गई, तो ये वाला इसने वो जो वहां पे रिजल्ट दे रहे थे इससे पहले, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर वगैरह ने ये सीरीजें दी थी, तो वहां पे जो इनके रिजल्ट आ रहे थे, लाइनें आ रही थी, वो लाइनें एग्जैक्ट
इसने भी कैलकुलेट की थी, और इस पोस्टुलेट की हेल्प से कैलकुलेट की थी। इसी के हेल्प से आप सारे इसके डेरिवेशन सोल्व करोगे, तो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई से वो सारे के सारे आंसर इसको मिल रहे थे। जब मिल रहे थे तो फिर इसने एक अपना खुद का ही पोस्टुलेट में शामिल कर लिया इसको, कि ये भी होता है। क्यों होता है नहीं पता, ये भी उसने मान लिया कि क्यों होता है नहीं पता। फिर बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से उसको निकाला जाता है। बाद में एक एक और थ्योरी है, एक और हाइपोथेसिस दी गई थी कि NH अपॉन 2π ये कैसे आया, तो उस थ्योरी से निकाला जाता है। और उस थ्योरी से कैसे निकाला जाता है, उसके ड्यूल नेचर से निकाला जाता है। ड्यूल नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के साथ साथ एक पार्टिकल नेचर भी रखता है। फिर उस बेसिस पे उनको रिलेट करके एक थ्योरम दी जाती है, जिसे को अपन बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन अपने थर्ड पोस्टुलेट की। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एनएच अपॉन टू पाई। यानी मैं बोल सकता हूं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई। ये क्या हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। तो ये पोस्टुलेट उसने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बोर के पोस्टुलेट थे। बाकी इसने मैक्सवेल की थ्योरी को भी डिनाई कर दिया था उसने, कि आप जो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा एनर्जी, एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब इसने जवाब दे दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल में ही रिवॉल्व करेगा, आप जहां बोल रहे हो मर्जी आए जगह वहां नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कभी रेडियस चेंज नहीं करेगा, जहां घूम रहा है वही घूमेगा, तो उसकी फिक्स वैल्यू होगी। और वो फिक्स वैल्यू जो है उसकी, वो बैलेंस हो रखी है उसको घूमने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के इक्वल होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसको हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। एक तो एक जगह रुक जाए उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं से मिले, एक वो चारों तरफ घूमे तो उसको हर जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। इसलिए आप मैक्सवेल की थ्योरी को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोर मॉडल में, सबसे पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, रेडियस आर, ठीक है। और ये सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है, यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो आयन होता है, या मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, या अपन बात करें हीलियम प्लस की, या मैं बात करूं लिथियम प्लस टू की, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जहां एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होने चाहिए, सिर्फ आप एक इलेक्ट्रॉन पे इनको सोल्व कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की। तो अभी जस्ट अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो इसकी डिस्टेंस आर होती है, या इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी बाहर कार्य करता है, और इस पे जो एफ अट्रैक्शन है वो अंदर की तरफ कार्य करता है। ये सिंपल अपन ने देखा था, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर बात करूं तो जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर था, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वल है किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये आर से आर तो कट गया, आर से आर कट जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं इसको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, मैंने इधर भेज दिया, इसको वी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा है। वी स्क्वायर को अपन ने यहां से निकाले, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लेता हूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट। देखो
मैंने आपको बताया था ये बोर का जो पोस्टुलेट है इसी की हेल्प से आप सारी चीजें कैलकुलेट करोगे। अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट वो क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर जो इसका मोमेंटम होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई का क्या होता है, वो इक्वल होता है या उसका इंटीजर होता है या उसका पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब बात करें अपन यहाँ पे वी स्क्वायर और वी स्क्वायर को अपन को इक्वल करना है। भाई यहां से वी स्क्वायर निकाला तो उसको इक्वल करना है। मैं ऐसे इसका दोनों तरफ से क्या कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं अपन, बोथ साइड स्क्वायर। तो आप करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। तो यहां से मैं वी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, वी स्क्वायर हो जाएगा कितना अपना एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे लेता हूं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दें अपन, इक्वल कर दें। तो मैं ले लेता हूं नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें अपन, तो देखो फर्स्ट में क्या था, वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, ये इक्वल टू होगा किसके, ये इक्वल टू होगा किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। इसी के होगा एम स्क्वायर और आर स्क्वायर के। अब यहां से आप निकाल सकते हो आराम से इनको, एम से ये एम कट गया, एम से ये एम कट जाएगा, इस साइड आर था क्या, एक आर बच रहा था ना इधर, हाँ यहाँ पे के जेड स्क्वायर एम, यहाँ पे आर बच रहा था ये, है ना, एक आर से एक आर कट गया था, आर बच रहा था तो आर को मैंने यहाँ पे ले लिया ना, उसमें आर भी आप ऐड कर लेना, नेक्स्ट इधर आप आर ऐड कर लेना। तो इस आर से ये एक कट गया, जो भी कट रहा हो उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आर की वैल्यू को इधर निकाल लेता हूँ इस साइड, देखो आर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इधर क्या आ जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, यही होगा ना। इसको आप पक्षांतरण या इसको आप अरेंज करके देख लो, आर अपन ने यहां से निकाल लिया, एम हो जाएगा, बिल्कुल यही होगा। तो रेडियस का यहां से ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो रेडियस है वहां पे देखो एच कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना फिक्स है, चार क्या है कॉन्स्टेंट है, पाई क्या है कॉन्स्टेंट है, एम क्या है कॉन्स्टेंट है। तो वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है, एक तो एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट की बात करें अपन, और जेड, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर। तो दोनों वेरी करते हैं, तो जब दोनों वेरी करते हैं तो ये बाकी की जो सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, इन सब की वैल्यू रखते हुए जब सोल्व किया जाता है तो इनका मान निकल के आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये इसका मान निकल के आता है, और निकल के किस में आता है, ये एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है। और अगर मैं इसको और सोल्व करूं तो इसको कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ आप देखोगे एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, और यहां जो मैंने 0.53 लिखा है इसको बोला जाता है बोहर रेडियस, क्या बोलते हैं इसको बोहर रेडियस। और इस आर की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी ए नॉट के इक्वल, ऐसे एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर की जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी, और ए नोट को अपन क्या बोलते हैं बोर रेडियस बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई सा भी आपको एटम दे देगा कि इसके एन बराबर सेकेंड या थर्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, तो आप ऐसा क्वेश्चन कर भी सकते हो। देखो इधर सिंपल से क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू सॉरी हीलियम प्लस वन आयन, देन
देन फाइंड आउट इट्स रेडियस, उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस अपन को फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और z कितना होगा हीलियम के लिए, 2 होगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है अभी निकला, r इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। तो सीधा रख दो आप r इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर और z कितना है 2, तो क्या आ जाएगा ए नॉट 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 ए नॉट, यानी बोर रेडियस की क्या आ जाएगी, जस्ट डबल आ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये बात हुई किससे रिलेटेड, बोहर रेडियस से रिलेटेड। बोर रेडियस का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे कि n कहाँ आ रहा है, z कहाँ आ रहा है, आपको उस हिसाब से सोल्व करना, ये कॉम्बिनेशन याद रखना चाहिए। और इस कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हो आप, n हमेशा ऊपर ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऑर्बिटल की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, रेडियस बढ़ती जाएगी, सीधी सी बात है। अब देखते हो ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, तो रेडियस सबसे ज्यादा यहाँ आएगी R3, यहाँ पे मैं बात करूँ R2, यहाँ बात करूँ R1, तो R3 सबसे ज्यादा, मतलब n की वैल्यू ज्यादा है, तो n की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस ज्यादा होगी, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। और जेड के ये क्या होती है, इनवर्सली होती है। जेड मीन्स एटोमिक नंबर मीन्स प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा, तो रेडियस को कम कर देता है, इसलिए जेड नीचे आया है। तो रिलेशन याद करने का ये तरीका है, एक्चुअल में तो आप फॉर्मूले से निकालोगे, लेकिन एक ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है, आप कॉन्सेप्ट बना के याद कर सकते हो कि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है रेडियस बढ़ेगी, जेड मतलब प्रोटोन, प्रोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे मतलब ज्यादा प्रोटोन होंगे तो रेडियस क्या आएगी, कम आएगी, ऑब्वियसली बात, ठीक है। तो यहां तक की अपन ने बात की है अपने इसकी रेडियस से रिलेटेड, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी की, और फिर बात करेंगे अपन इसकी एनर्जी से रिलेटेड, और फिर अपन चलेंगे हाइड्रोजन एटम के एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।